हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप बिग बॉस के एपिसोड कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब पर इजीली पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जीरो से लेकर एडवांस तक सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे आपको मैं डिटेल में बताऊं कैसे आपको कॉपीराइट से बचना है, कैसे आपको वीडियो एडिटिंग करनी है और कैसे आपको अपलोड करना है और कैसे आपको वायरल करना है। जैसे आप जानते हैं कि बिग बॉस इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है सबसे ज्यादा, मतलब बहुत सारे इसमें लाखों व्यू आ रहे हैं। मैं आपको जरा चेक करा तो अभी हम चलते हैं अपनी मॉल की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, हम आ गए अपनी मॉल की स्क्रीन पर और इस मॉल की स्क्रीन पर आने वाले यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बिग बॉस। तो जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सर्च कर लिया बिग बॉस। बिग बॉस सर्च करने वाले आप यहाँ स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 घंटे पहले 1.5 लाख व्यू आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 7 दिन पहले 15 लाख व्यू आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 घंटे पहले 1.5 लाख व्यू आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये हमारे 8 दिन पुरानी वीडियोज पे 18 लाख व्यू आए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जी 9 घंटे पहले खाली इस पर 14,000 व्यू आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और भी आप ये सारी वीडियो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाखों में व्यू आ रहे हैं, लाखों में। तो जे दोस्तों, मैं यहाँ पे इस चैनल पर कर लिया क्लिक और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके 17 लाख फॉलोवर है। इसी बिग बॉस की वीडियो डालकर इसने 17 लाख फॉलोवर अपने गेन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग बॉस की खाली वीडियो डाले यहाँ पे दे रहे हैं कि 901,000 व्यू आए यहाँ पे। जैसे मैं बैक कर लेता हूँ, अब बैक करने के बाद यहाँ पे एक और चैनल मैं आपको दिखाता हूँ। तो जे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक और चैनल है टेलीग्राम के नाम से। तो यहाँ पे भी इसकी बिग बॉस की वीडियो डालते हैं, इसलिए इतने सारे इसने सब्सक्राइबर गेन कर लिए। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ओल्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं इसने 1 साल पहले वीडियो डाली, मतलब 1 साल के अंदर इसने अच्छे खास से सब्सक्राइबर कर लिए हैं। जो लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो ना उसको शॉर्ट टाइप में डाला है, आप देख सकते हैं जी 1 मिनट की वीडियो 2 मिनट की खाली बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो डाले यहाँ पे देख सकते हैं अभी। तो जैसे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिग बॉस की मैंने वीडियो ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,000, 13 लाख, 3 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट में भी लाखों में व्यू आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे शॉर्ट पर भी काम कर सकते हैं और लॉन्ग पर भी काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से हो जाता हूँ मैं बैक। अब मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो आपको डाउनलोड कैसे करनी है, फिर आपको ये वीडियो एडिट कैसे करनी है, कि कॉपीराइट का हमको सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको एडिट करनी है। तो अभी हम चलते हैं इसको वीडियो को डाउनलोड करने। तो वीडियो डाउनलोड करने के लिए आपको जियो सिनेमा डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे उसे यहाँ पे मैं जियो सिनेमा का कर लेता हूँ ओपन, तो यहाँ पे आपको बिग बॉस सर्च कर लेना, सर्च करने में इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने बिग बॉस को कर लिया ओपन। अब ओपन करने बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, अब नीचे स्क्रॉल करने बाद आपको यहाँ पे दिख रही है अनस्क्रीन, इस पे कर लेना क्लिक। इस बार बिग बॉस में द UK7 राइडर आए हैं ना, और एक और यूट्यूबर आए, तो इन दोनों की मतलब कि आपकी वीडियो बनानी है। जैसे कि तो आपको ऐसे ऐसे मूवमेंट की वीडियो बनाए, जैसे कि कोई फनी मूवमेंट हो गया, कोई कॉमेडी मूवमेंट हो गया, या कोई लड़ाई वाला मूवमेंट हो गया, ऐसी वीडियो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। तो मैं दूसरे वाले वीडियो पे कर लेता हूँ क्लिक। द UK7 राइडर यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे इनकी वीडियो है ना, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके इनकी वीडियो कर लेनी है डाउनलोड, या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वीडियो को। तो जय दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो तो हो चुकी है डाउनलोड। अब डाउनलोड होने के बाद हमको यहाँ पे एडिटिंग करनी है। एडिटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। YT क्रिएट ऐप का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जी एक यूट्यूब एप्लीकेशन है, इससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इजीली। तो हम इसको कर लेते हैं ओपन, और इसे एडिटिंग करने के फायदे क्या होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ संगीत। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पे लॉग इन कर लेना, गूगल से साइन इन करके लॉग इन कर लेना अपने चैनल। यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन पे आपको करना है क्लिक। अब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद जो आपने वीडियो वहाँ से डाउनलोड करनी है जियो सिनेमा से, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर, और इसको इंपोर्ट पे कर देना क्लिक। अब इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी वीडियो आ रही है धीरे धीरे। तो जैसे दोस्तों हमारी वीडियो आ चुकी है, आने बाद आपको थोड़ा यहाँ पे आगे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दें, जैसे यहाँ पे मैं हल्का सा कट लगा देता हूँ, और आगे पोर्शन लगा यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट। अब डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पीछे से थोड़ा यहाँ पे डिलीट कर देना है, जैसे बिग बॉस के यहाँ पे ब्रांडिंग आ रही है ना, इसको आप यहाँ पे डिलीट कर देना है। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा स्प्लिट्स, और जो पीछे का एरिया है इसको मैं कर दूंगा डिलीट। अब डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोगो आ रहा है, यहाँ पे बिग बॉस का यहाँ पे लोगो आ रहा है, इसको हमको कैसे हटाना है, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, जैसे मैं ले लेता हूँ। या तो आप यहाँ पे कौन भी ब्लर कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे स्टिकर पे कर लेता हूँ क्लिक, जैसे यहाँ पे कोई भी स्टिकर ले लेता, जैसे लाइक और सब्सक्राइब का ले लेता हूँ, है ना। अब लेने के बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कर लिया इसको छोटा कर लेता हूँ। अब छोटा कर उसको मैं लगा लेता हूँ बिग बॉस के ऊपर, यहाँ से लोगो दिखेगा नहीं, और इसको मैं पूरी वीडियो में कर लेता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे पूरी वीडियो यहाँ पे कर लिया है, पूरी वीडियो में करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फिल्टर पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे आपको वीडियो में पहले क्लिक करना, फिर आपको यहाँ फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे फिल्टर पे कर लेना क्लिक। अब क्लिक करने यहाँ पे मैं कोई सा भी एक फिल्टर ले लेता हूँ, जैसे जी वाला फिल्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसका थोड़ा रेडियस इसको मैं कर लेता हूँ 42% मैंने यहाँ पे कर लिया। अब करने बाद इसको यहाँ पे डन पे कर दूंगा क्लिक, तो ये क्या होगा मेरी पूरी वीडियो में फिल्टर लग जाएगा। और आपको करना क्या, यहाँ पे आपको बीच में स्प्लिट्स करने था, यहाँ पे एक बीच में कर लगा देना, एक थोड़ा आगे करके एक यहाँ पे
कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आपको यहाँ से करना है बैक, फिर आपको यहाँ पे बीच में ऐसे स्क्रॉल जैसे दिख रहे, ऐसे दिख रहे हैं ये काले काले से है ना, सर्कल से बने हुए हैं ना, इस पर करना है क्लिक। यहाँ पे आपको लगाना है ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन ये वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे लग चुका है। अब मैं यहाँ पे डन पे कर लूँगा क्लिक, और डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा आगे करूँगा, इस पर ट्रांजेक्शन द्वारा क्लिक करूँगा, तो यहाँ से भी एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगा लूँगा। लगाने के बाद इसको मैं डन पे कर दूँगा क्लिक, यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन लग चुका है। तो यहाँ पे मैंने बीच में दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगा लिए, ऐसे आपको यहाँ पे एडिटिंग करनी है। और जो हमारी जो वीडियो ना, सबसे पहले आपको ये काम करना है, इसके वॉल्यूम है वो आपको बिल्कुल ही कम कर देना है। यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम कर देना है बिल्कुल कम, जैसे मैं इसको वॉल्यूम पे करता हूँ क्लिक, वॉल्यूम कर देता हूँ कम, उसको कर दे डन। अब डन करने के बाद यहाँ पे उनका वॉल्यूम तो हो चुका बिल्कुल खत्म। फिर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, तो यहाँ पर हम साउंड पे करते हैं क्लिक, और साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं, वो भी नॉन कॉपीराइट है, मतलब कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, ना कॉपीराइट स्ट्राइक वाला कुछ भी नहीं आता है। यहाँ से एडिटिंग करने का ये हमको फायदा मिल जाता है, और बहुत ही एडिटिंग के लिए बहुत ही सबसे बेस्ट ही ऐप। जैसे मैं कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ चुका है। अब इसका हम वॉल्यूम कर लेते हैं बिल्कुल कम नहीं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ 26% है यहाँ पे, मैंने कर लिया इसको, लेते हैं डन। अब डन करने के बाद यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे करनी है वॉइस ओवर। पहले तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, इसकी मतलब कि स्टोरी समझ लेनी है ना, फिर आपको अपनी तरफ से यहाँ पे वॉइस ओवर करनी है। फिर मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉइस ओवर का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक। अगर यहाँ पे मैं रेड वाला आइकन पे क्लिक करूँ, तो वॉइस ओवर यहाँ पे स्टार्ट होने लगा है, तो मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। तो बाबू भैया आए सलोन भाई से मिलने के लिए, तो हम चलते हैं सलोन भाई से मिलने, तो इससे हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने खाली आपको बताने के लिए यहाँ पे वॉइस ओवर मतलब ऐसे नॉर्मल से कर लिया, आपको स्क्रिप्ट लिख के अगर आप जो जैसे भी आप करना चाहते हैं वॉइस ओवर, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हैं वीडियो को देख। हम हमारी वॉइस ओवर ही हो चुकी है कम्प्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप कैप्शन वगैरह देना चाहते हैं, मतलब सब टाइटल होते लिखे हुए आते हैं ना, पर वो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कैप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आप कैप्शन भी अपने वीडियो के अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो बनके हो चुकी है तैयार। अब हमको यहाँ पे क्लोड पे करना है क्लिक। अब क्लिक करने में आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे करना है क्लिक। हाई क्वालिटी पे आपको सिलेक्ट करके इसको कर देना एक्सपोर्ट। तो हमारी वीडियो हो रही है डाउन, तो हमारी वीडियो हो रही है एक्सपोर्टिंग। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आकर आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा। अगर आप ऐसी वीडियो बना रहे हो तो आपको क्या करना है, ऐसी वीडियो आपकी शॉर्ट भी बनानी है, दो वीडियो आपको शॉर्ट बना लेनी है, एक आपको लॉन्ग बना लेनी है, ऐसे आपको यूट्यूब पर अपलोड करनी है, और इंस्टाग्राम पर भी आपको अपलोड करनी है, और फेसबुक पर भी अपलोड करनी है। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे व्यूज़ वगैरह भी गेन होंगे, और सब्सक्राइबर फॉलोअर भी गेन होंगे। अगर आपकी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं चली, तो आपकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो चलनी चलनी है। अब आपको कमाई कैसे होगी वो आपको बताता हूँ मैं। आपको कमाई होने वाली इंस्पॉन्सरशिप से तो आपको होने वाली है, और एडसेंस से भी आपको पैसे अच्छे खासे आने वाले हैं, है ना। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने फेस का भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सर्कल में स्क्रीन अपनी लगा कर वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्कल वाली स्क्रीन लगाना नहीं आती, वीडियो में कैसे लगाते हैं ऐसी मतलब लगाना नहीं आती, तो आप इस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा वो वीडियो। अब तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकी है एक्सपोर्ट। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, शेयर का और अपलोड टू यूट्यूब। अब हमको करना है अपलोड टू यूट्यूब। हमारी यहाँ पे यूट्यूब पे डायरेक्ट आ चुकी वीडियो। अब आने वाले यहाँ पे आप अपनी वीडियो यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, तो बाबू भैया मिलने गए बिग बॉस में सलमान खान भाई से, तो ऐसा आप टाइटल वाला दे सकते, थोड़ा अट्रैक्टिव टाइटल वाला दे, और थंबनेल भी आप कुछ अच्छा बढ़िया सा बनाकर, मतलब सारा सलमान खान का और बाबू भैया का एक अच्छा सा थंबनेल बनाकर और आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, वीडियो पब्लिशर मतलब जो सेटिंग होती है ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वीडियो आपको वायरल कैसे करनी है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपको थंबनेल तो आपको बनाना है अट्रैक्टिव, है ना, तो जिस पे क्लिक आ जाता जब सलोन भाई की फोटो यहाँ पे थंबनेल पे लगी होगी, तो अपने आप ऑटोमेटिक क्लिक आने लग जाएंगे, वो तो है, हैं। थंबनेल तो आप इजीली बना लोगे, है ना। अगर आपको बनाना नहीं आता थंबनेल, तो आप मेरी वीडियो देख लेना थंबनेल कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, वहाँ से आप जाके दे सकते हैं, नहीं तो आई बटन में यहाँ पे लगा दूँ, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड लिखने पड़ेंगे, जिस वजह से आपकी वीडियो सर्चिंग में जाएगी, और आपकी वीडियो ज़्यादा रिकमेंड होगी, यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करें। अब वो आपको कीवर्ड मिलेंगे कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ, है ना, और वो आपको लिखने कैसे वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कर लेता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप योर क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और योर क्वेश्चन लिख के आपको यहाँ पे दो बिंदी से लगा देनी है, फिर आपको एंटर कर देना, और हमको इसके नीचे लिखना है अपने कीवर्ड, है ना। तो
जैसे मैं बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद इसको मैं अनलिस्ट पे कर देता हूँ। अनलिस्ट पे करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे कर दूंगा मैं क्लिक, यहाँ पे जैसे मेरी वीडियो हो रही है अपलोड। अब वो आपको कीवर्ड कैसे लगाने अपने डिस्क्रिप्शन वो मैं आपको बताता हूँ, और कीवर्ड आपको मिलने कहाँ से वाले वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना यूट्यूब पर आया ना, और यूट्यूब पर आपको आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना बिग बॉस। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च रहा है बिग, खाली मैंने यहाँ पे बिग ही सर्च करा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं नीचे लिखे हुए कि बिग बॉस यूके 7 राइडर, बिग बॉस और बिग बॉस की वीडियो देखकर फेसबुक से पैसे कैसे कमाए। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको इसके तो आपको यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है, इसका आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेना है। अब स्क्रीन शॉट लेने के बाद ऐसे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे हाउ टू वगैरह लगा के आपको अंग्रेजी में भी सर्च कर लेना और हिंदी में भी सर्च कर लेना। जैसे आपको यहाँ पे सर्च करना है बिग बॉस द यूके 7 राइडर, आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करा बिग बॉस यूके 7 राइडर, यहाँ पे भी तीन कीवर्ड आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेना है। अब स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको जाना है एक एप्लीकेशन को, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन शॉट, इसको मैं करता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन मिल रहा होगा नीचे, गैलरी का ऑप्शन मिला, इसको आपको करना है क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी गैलरी में से मतलब कि जो स्क्रीन शॉट आपने लिया है ना, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर कर यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, ऐसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आपको कर लेना है। ऐसा आपको यहाँ पर कर लेना है, आपको यहाँ आपको राइट वाले आइकन पर करना है क्लिक। मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल, इसको लेते हैं हम कॉपी। अब कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, जैसे बैक कर लेता हूँ मैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे आपको जाने के बाद यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे काम हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको लिखा योर क्वेश्चन। इससे पहले आपको यहाँ पर अपने वीडियो का टाइटल पेस्ट कर देना, फिर आपको जी पेस्ट कर देना है, फिर आपको यहाँ पे 5 हैशटैग लगा देने बिग बॉस रिलेटिव, आपको यहाँ पे हैशटैग लगा देने है ना। फिर आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं ना, द यूकी 7 राइडर है ना, वो हमारे बिग बॉस में गए ना, तो आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, है ना। और भी यहाँ पे क्रिएटर गए ना बिग बॉस में, तो उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आप अपने यहाँ पे सोशल मीडिया के यहाँ पे लिंक दे सकते हो, और वीडियो के भी यहाँ पे लिंक दे सकते हो। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक, इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। यहाँ पे सेव करने के बाद हमारी वीडियो तो हो चुकी है कम्प्लीट, अब आपको यहाँ पे पब्लिश करना है इसको। तो हमारी वीडियो तो हो चुकी है यहाँ पे कम्प्लीट। अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करते लाइक, चैनल में करते सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय।